चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ मनीष सहनी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट बाला साहब ठाकरे अकाई शिवसेना से मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे बात करूंगा जिस तरह से देखिए अब G20 जो है लगभग समाप्त हो रहा है, जिनके लिए G20 रखा गया था, जो दो बड़े देश कहीं ना कहीं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब सब लोग जो उस डिनर में बुलाए जा रहे हैं उस डिनर के लिए कार्ड निकाला जाता है, उसमें ये कहा गया है कि देखिए सबसे बड़ी बात इंडिया नाम से पहली कहीं ना कहीं हमारा जो भी था राष्ट्रीय भोग जिसको कहते हैं उसके लिए कार्ड छापे जाते थे, लेकिन आज उस पर भारत लिखा गया है। अब पहली हिंदू मुस्लिम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में क्या करवाया ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन अब बात आ गई है भारत पर, बात आ गई है इंडिया पर। अब इंडिया के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है जो पार्लियामेंट सेशन लगने वाला है उस सेशन में अटकलें लगाई जा रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी, और भी बहुत से ऐसे बिल्स हैं जो वहाँ पर पास किए जाएंगे। हो सकता है इंडिया का नाम बदलकर वहाँ पर भारत रखा जाए। मुनीष सहनी साहब से पूछता हूँ, सहनी साहब क्या लग रहा है जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी, क्या ये पॉसिबल है? देखिए सब गुमराह करने के लिए चीज़ें हैं, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ आपने G20 का जिक्र किया, कम से कम केंद्र सरकार को G20 तक तो इंतज़ार कर लेना चाहिए था उसके संपन्न होने का। आप विदेशी हमारे जो है अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं, आप उनके सामने जो है आप विदेशी अतिथियों के अंदर G20 के अंदर भी जो वहाँ पर मेम्बर है वहाँ पर इंडिया नाम से मेम्बरशिप है, कम से कम वो इंतज़ार तो कर लीजिए। उनको भयभीत तो ना कीजिए कि हमें तो इंडिया ने बुलाया था, अब ये भारत यहाँ पर जो है इनविटेशन हमें भारत का आ रहा है, तो कम से कम अतिथियों का ध्यान करते, संपन्न होने देते, उसके बाद लड़ाई आपस घर की लड़ाई जो है ये बाहर के लोगों के सामने इस वक्त कहना कहीं जाहिर कर रहे हैं। जिन दो देशों को इकट्ठा करने की बात की गई थी, जिनके लिए G20 रचा गया था, पूरे देश भर में पैसा खर्चा, जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर में भी ये G20 हुआ, लेकिन जिनके लिए मसला हल करना था वो तो आई नहीं। बिल्कुल यही तो देखिए ना, देखिए आपने पहला जो G20 का जम्मू कश्मीर के अंदर आपने कश्मीर में आयोजित किया, उसमें आप उनको आमंत्रण इंडिया के नाम से दे रहे हो, अब उनको आप जो है आमंत्रण के ऊपर जो है भारत लिख रहे हो, क्यों भयभीत कर रहे हो लोगों को? ये सिद्ध करता है कि इस समय केंद्र सरकार खास करके NDA, B.J.P भारी बौखलाहट से जूझ रहे हैं। इनके अंदर बौखलाहट है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कैसे विपक्ष ने जो है इंडिया नाम रख दिया है। अब ये देखिए आप इंडिया नाम से इनको कितनी घबराहट है, पहले इनको घबराहट कहाँ थी? कांग्रेस से घबराहट थी, नेहरू जी से घबराहट थी, नेहरू जी के तमाम जो है चीज़ों के नाम बदल दिए गए, दिल्ली में नेहरू पैलेंटोरियम का नाम बदल दिया गया, उसके बाद इनको घबराहट इसके साथ महसूस हुई शिवसेना से, महाराष्ट्र के अंदर हमारे से घबराहट थी, हमारे से शिवसेना का नाम ले लिया गया, हमारे से चुनाव निशान ले लिया गया, उस पर भी जब इनको जो है अपनी जीत की मोहर लगती हुई दिखाई नहीं दी, तो अब जो गठबंधन बना है इंडिया जो उन्होंने नाम रख दिया है, अब इंडिया नाम से इनको ऐतराज़ है। अरे आप मुद्दों पर अपने काम गिनवाइए, आप काम तो गिनवा नहीं सकते। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सी ऐसी जो स्कीमें थी मोदी साहब ने शुरू की थी, अब उनका क्या होगा, अब उनको क्या भारत करेंगे लोग? यही तो पूछ रहे हैं, कितनी चीजों को आप भारत करेंगे? ये आज का इतिहास नहीं है, 75 साल से जब से आजाद हुआ है जगह जगह इंडिया, हमारे पास जो पासपोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के है, हमारी जो पहचान है अगर अपने देश को छोड़कर हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो वो कहा जाता है कि इंडियंस आए हैं, तो वहाँ आप भारतीय आए हैं तो कोई नहीं बोलेगा, कहाँ कहाँ से आप हटाओगे इन चीज़ों को? .in के नाम से आपकी सारी वेबसाइटें हैं, इन डिक्लेयर करता है कि इंडिया है, हर जगह इसरो जिसके ऊपर अभी आप गर्व कर रहे थे, आपने बताया कि हम चांद पर जो है तिरंगा गाड़ कर आए, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जबकि हमारे वैज्ञानिकों को सारा श्रेय दिया जाना चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी मोदी जी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की। उस इसरो का भी पहला लेटर आइस इंडिया से ही शुरू होता है, तो कहाँ कहाँ से हटाएंगे? ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता इस समय चाहती है महंगाई के ऊपर बात की जाए, बेरोजगारी के ऊपर बात की जाए। 24 के आम लोकसभा इलेक्शनों के अंदर मात्र 5 से 6 महीने का समय है, आप मुद्दों पर बात कीजिए, अगर मुद्दे आपके सामने हैं, मुद्दों पर आपने काम किया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी गठबंधन हो आपको नहीं हरा सकता। 9 साल तक इनको वन नेशन वन इलेक्शन की याद नहीं आई, 9 साल तक भारत का नाम, जो इंडिया का नाम बदलने की वो याद नहीं आया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन को लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? इनके कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था। अगर अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था तो आपके जो पहले इनके नेता थे
भारतीय जनता पार्टी के, जिनका अभी इन्होंने स्टैचू भी लगाया है, वो भी तो राज करके गए हैं ना, वो भी इंडिया में राज करके। बिल्कुल जी, इनके बड़े नेता जिनको सारे देश आज पूछता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कभी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया। ये सीधा सीधा जनता, देखिए इनका चरित्र जान चुकी है, जनता को पता है कि ये दोहरे चरित्र वाले हैं। जब ये हर तरफ से नाकामी पर आ जाते हैं तो इनके पास दो तीन चीज़ें ही गिनी चुनी की बचती हैं, कांग्रेस पर प्रहार किया जाए, हमारी जो है इतिहास पर प्रहार किया जाए, और तीसरा जाति और धर्म की राजनीति की जाए। इलेक्शन के बाद तुरंत ये स्कीम जो थी वो शुरू कर दी गई, में ये जो इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि इनको पता चल गया कर्नाटका जा चुका है और पांच राज्य जा सकते हैं। और लोगों को देखिए, आए दिन जो है लगातार कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ते थे, कभी बोलते हैं संविधान बदलेंगे, आज बोल दिया था भारत का नाम बदलेंगे, कल जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन होगी। क्या लग रहा है कि जनता इनको सुनने के लिए बैठी है, या ये आदेश करेंगे उनकी बात पूरी हो जाए? जनता भी ठान चुकी है कि अब केंद्र सरकार को बदलेंगे। जिस तरीके से ये जनता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ जो है, देखिए आप मुद्दों पर तो आप बात नहीं करते, मुझे बताइए कि आज जनता ने इनको जो भरपूर अपना समर्थन दिया, ऐतिहासिक जीत दी बीजेपी को, पहली बार पार्लियामेंट के अंदर इनको 303 सीटें दी, क्या वो इसलिए दी थी कि आप विपक्ष का नाम बदलो जो विपक्ष ने नाम दिया? क्या इसलिए दी गई थी कि आप नेहरू प्लैनेटोरियम का नाम बदलो? क्या नोटबंदी के लिए दी गई थी? क्या शिवसेना का नाम छीनने के लिए इनको जो है मतदान मिला था? इतना नहीं, इनको मिला था कि जनता को विश्वास था कि शायद अब हमारे सपने पूरे होंगे, केंद्र के अंदर एक बेहतर सरकार बनेगी जो जन मुद्दों पर काम करेगी। अब जन मुद्दों पर तो ये पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। तो अब इनके पास बचा क्या है? सिर्फ जनता को गुमराह कीजिए। पहले धर्म के नाम पर गुमराह करते थे, जाति के नाम पर गुमराह करते थे, जब उस पर भी ये एक्सपोज हो गए तो अब इन्होंने गुमराह करने के लिए जो है विपक्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पक्ष को निशाना बनाओ, आज जितने भी सवाल बीजेपी से पूछे जाते हैं उनके पास कोई उसका जवाब नहीं है। जवाब क्या है कि 10 साल 15 साल 20 साल 60 साल पहले कांग्रेस ने भी यही किया था। अगर पुरानी पार्टियों ने, पूर्व केंद्र या पार्टियों ने अगर इस तरह किया था तो जनता ने उनको आईना दिखा दिया है, जनता ने आज उनको बाहर रखा है। और आने वाले समय में अब मुझे लगता है कि ये सरकार को भी जनता आईना दिखाने वाली है, वो दिन दूर नहीं। अब चुनाव बहुत जल्द होंगे और जनता इनको जो है वो सबक सिखाएगी। लास्ट सवाल पूछूंगा, 370 का जो फैसला है उसको सुरक्षित रख दिया गया है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जम्मू कश्मीर को 370 वापस आ रहा है कहीं ना कहीं उस खबर को दबाने के लिए एक और शुक्र? देखिए, अब माननीय न्यायालय का फैसला, जो भी फैसला होगा जनता को, केंद्र सरकार को, तमाम लोगों को जो है वो खुशी खुशी उसको सहना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा उसको। बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की अब आवाज़ भी है, वो आवाज़ इसलिए है क्योंकि लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, जो हमारे साथ हमें जो सबज बाग दिखाए गए थे, उससे सरकार पूरी तरह से पलट गई है। जो जमीनी हालात आज बिल्कुल विपरीत हैं जो केंद्र सरकार दिखाना चाहती है, तो मुझे लगता है तमाम लोगों को खुशी होगी जब उनको अपने विशेषाधिकार वापस मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं भारत जो नाम अब रखा जा रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सी ऐसी इंडिया की जो स्कीमें हैं जो पहली मोदी सरकार चलाया करती थी, अब किस तरह से होगा, अब क्या भारत उसका नाम रखा जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो हर एक जो नोट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंडिया लिखा गया है। अब क्या आप नोट बदलेंगे, दोबारा से नोटबंदी करेंगे? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदलने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त इस वक्त सरकार के पास टोटली 6 महीने हैं। 6 महीने में क्या क्या बदलेंगे? इतनी ज़्यादा बौखलाहट है विपक्ष से, कहीं ना कहीं सरकार को जो है परेशानी में जो है डाल सकती है। फिलहाल ये आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है जरूर